लेजेंडरी एडिटर हैं, फिल्म एडिटर, तो मुझे लगता है कि विरासत में ये सब मिला है उसे, जो विजुअल एस्थेटिक है उसका, और इस फिल्म के लिए बहुत उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जब मुझे ये फिल्म का ऑफर आया और जब मुझे कहा गया कि मैं एक हॉरर स्टोरी नॉवलिस्ट का रोल प्ले करने वाली हूँ, तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मुझे हॉरर फिल्म्स देखना बहुत पसंद है और ये सब जो ओकल्ट साइंसेस हैं, भूत प्रेत, इस सब में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं यू नो फिल्म शूट करने आऊँ ऐसा एक सस्पेंस थ्रिलर जिसमें एक हॉरर एक कंटेंट है, तो शायद कुछ मुझे एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बट देन यू नो थ्रू आउट द प्रोसेस मैंने बहुत कुछ टेक्निकलिटीज़ जानी है इस फिल्म की, और जैसे मैंने कहा कि 3D हमारे फिल्म का एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, तो मैंने देखा कि 3D कैमराज में शूट करना कितना अलग होता है एक नॉर्मल कैमरा में शूट करने से। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही नया अनुभव था, और मेरा जो किरदार है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग लड़की का है, जो जानती है कि उसे क्या चाहिए लाइफ में। बेसिकली पार्वती इन रियल लाइफ इज आल्सो दैट वे। हाँ, मैं रियल लाइफ में भी ऐसी बिल्कुल ढीठ है, बिल्कुल ढीठ हूँ, और इन द फिल्म आल्सो ये देखने मिलेगा कि मैं इतनी इन्वॉल्व हूँ मेरे काम में कि ये डर जाते हैं कि घर में क्या बना रखा है, पट्टू पूरी तरह से। पर एक ग्रे एलिमेंट हम सब में होता है, हर बुरे इंसान में, हर एक अच्छे इंसान में, मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई ब्लैक एंड वाइट होता है दुनिया में, सबके लाइफ में कुछ अच्छा बुरा एक मिक्स होता ही है। अगर आपने टीजर देखा है तो शायद आपने ये भी नोटिस किया है कि मैं भी थोड़ा सा ग्रे हूँ, तो हर एक, जैसे पार्वती कह रही है, हर एक मतलब इंसान में वो चीज़ है, नॉट एवरीबडी इज ब्लैक एंड वाइट। यार मैं ये कहूँगा कि अलग फिल्में जो बॉलीवुड में बनी अब तक, उनका हॉरर एलिमेंट एक पूरी तरह से हॉरर फिल्में रह चुकी हैं। दिस इज़ द फर्स्ट, आई थिंक आपने इरोटिका थ्रिलर देखा है, आई थिंक आपने इरोटिका हॉरर देखा है, दिस इज़ अ हॉरर थ्रिलर, तो इसमें सस्पेंस और थ्रिलर का काफ़ी मिश्रण है, मतलब इट्स नॉट स्ट्रेट आउट हॉरर, इज एन एलिमेंट इन द फिल्म, या हॉरर इज एन एलिमेंट इन द फिल्म, सस्पेंस थ्रिलर है आउट एंड आउट, सो शुरुआत से एंड तक आप ये सोचेंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उस तरह की फिल्म। ऐसा लग रहा है, आप लोगों को भी लगता होगा, बहुत बहुत मजा आया इस तरह शूट करने के लिए। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब हम शूट करते हैं सेट पर, तो जो जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं उनके साथ एक अच्छा रैपो हो, और यू नो बहुत ही अच्छा लगता था मुझे पूरे सेट में, नॉट जस्ट विद अक्षय, आई थिंक हमारे पूरे सेट में जो भी लोग हैं ज़्यादातर सब यंगस्टर्स हैं, तो वो उनका जो यंग ब्लड और उनका जो यू नो काम करने का जो स्पिरिट है वो बहुत ही हमें मोटिवेट करता है, एंड इस साथ वर्क करने में मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत हमने एक दूसरे की खिंचाई की, बहुत हंसे हैं, और बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम्स भी हमने शेयर की है एक दूसरे के साथ, तो आई थिंक एक एक दोस्त भी मिल गया है मुझे। पार्वित के साथ एक कुछ हुआ था फर्स्ट डे शूट, फर्स्ट डे ऑफ शूट पे, जब मैं हम लोग पिज्जा पार्लर में शूट कर रहे थे, एंड हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो बता रहे थे कि ये सीन शूट होने वाला है नेक्स्ट, और मैंने कहा कि हाँ ठीक है, और किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी, मैंने टर्न किया, मैंने दो स्टेप आगे लिया, और मैं जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पर ऊपर से जो बल्ब लटका हुआ था वो सीधे उसी स्पॉट में गिरा जहाँ पर मैं खड़ी थी, तो आई थिंक वो एक बहुत ही फ्रीकी इंसिडेंट था, पर वो मैं टेक्निकल एरर समझू की। और एक मुझे याद है जब पहली बार हॉन्टेड हाउस में हमने एंट्री की थी, तो पूरी टीम थी, मतलब DOP, डायरेक्टर, मैं, और चमकादड़ निकल के आए वहाँ से, मतलब इतना डर लगा, सब घबरा के भाग गए मतलब दूसरे साइड पे, क्योंकि आई थिंक 5 or 6 बैट जस्ट फ्लू आउट ऑफ द हाउस, तो आई थिंक वो एक अच्छा ओमन था फिल्म के लिए। सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, हाँ बहुत ही, एक्चुअली राजेश शर्मा जी हैं, हुसैन दलाल हैं, दीपानता शर्मा, अनुरोदय सिंह, तो काफ़ी कैरेक्टर हैं, संतोष